हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरोन एकेडमी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया प्रोडक्ट जो कि हमारा एक हर्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है फिर यूं बोले वो आयुर्वेदिक सिस्टम से बिलोंग करता है तो ये रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अब हम प्रेजेंट करते हैं एक नया प्रोडक्ट हमारे पास जिसका नाम है पौरुष जीवन कैप्सूल ठीक है पौरुष जीवन कैप्सूल के बारे में बताएंगे उसका कॉन्डर इंडिकेशन क्या है किस कंडीशन में उसको लेना चाहिए मार्केट प्राइस क्या है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है और उसमें क्या क्या पड़ा होता है ठीक है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्टली आप इनबॉक्स कर सकते हैं बाई दी हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम और फेसबुक तो जो हमारा पौर जीवन कैप्सूल है उसका मैन्युफैक्चरर की बात करें तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर है उसका है वो देव फार्मेसी ठीक है देव फार्मेसी जो आपका पौर जीवन कैप्सूल है उसको बनाता है अगर हम इसके मार्केट प्राइस की वहीं पे बात करें तो लगभग जो 10 कैप्सूल है उनका कीमत दो सौ बीस फिर दो सौ के लगभग मिल जाएगा क्लियर अब बात करें इसके अंदर क्या पड़ा होता है देखो इसमें बहुत सारी हर्ब्स पड़ी होती है ना दी कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है ये लाइक like, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट आपका हर्बो मिनरल है इसके अंदर है सिलाजीत जिसकी क्वांटिटी लगभग 40 एम 40 चालीस एम के लगभग इसमें सिलाजीत को डाला गया है अश्वगंधा डाला गया है एक हर्ब है हमारा और इसके अलावा एक पड़ा हुआ है एकेलेप्टा अल्बा जिसको हम बोलते हैं भ्रंगराज ठीक है और कुछ बहुमूल्य औसधि इसमें पड़ी हुई हैं ब्लैक पेपर पड़ा हुआ है सोलेनम नाइग्रम पड़ा हुआ है लौह भस्म पड़ा हुआ है बंग भस्म पड़ा हुआ है ठीक है और आपका सतावरी पड़ा हुआ है सफेद मूसली पड़ा हुआ है अगर आप चैनल पे हमारे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रिडिक्शन लग जाना चाहिए कि इसमें सिलाजीत असुगंधा सफ़ेद मूसली अगर सब सब सतावर पड़ी हुई है तो ये किस पे काम करेगा ये अल्टीमेटली आपके सेक्सुअल वेलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं उसमें मोस्टली सिलाजीत का कॉम्बिनेशन रहता है और सिलाजीत ही बहुत ही वेल well नोन एक सेक्सुअल वेलनेस के लिए जाना जाता है सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाना जाता है अब थोड़ा इसमें आप ये समझ लीजिए जो शिलाजीत है ओनली सेक्सुअल के लिए नहीं है उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो एक हेल्थी इंडिविजुअल भी उसको ले सकता है ठीक है तो अगर आप सेक्सुअल वेलनेस के लिए ले रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है अगर आप सेक्सुअल वेलनेस के अलावा और कोई बीमारी के लिए ले रहे हैं लाइक रिस्पायरेटरी की आपको दिक्कत है वीकनेस है तो आपकी जो स्टेमिना है बहुत कमज़ोर हो गया है फिजिकल या फिर मेंटल कैपेबिलिटी या परफॉर्मेंस कम हो गया तब भी आप उस केस में शिलाजीत को आराम से ले सकते हो और लगभग दो तीन महीने तक अगर आप लेते हो उसको सही डोज में तो काफी हद तक वो सेफेस्ट कैटेगरी में माना जाता है थोड़े बहुत टॉक्सीटिव होती है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कोई सीवियर रिस्क नहीं होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलाजीत के अंदर एक होता है फुलविक एसिड हाँ एक केमिकल पड़ा होता है जिसमें जिसको बोलते हैं हम फुलविक एसिड ऐसे तो बहुत सारे केमिकल होते हैं लेकिन एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होता है जो कि एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फुलविक एसिड की वजह से जो सिला है बहुत पोटेंशियल रोल प्ले करता है लाइक like बहुत अच्छी उसमें एंटी एजिंग एक्टिविटी है एंटी इन्फ्लामेट्री है सूजन को कम करता है और एंटी एक्टिविटी है और आपके जो टेस्टोस्टोरोन है ना बॉडी में टेस्टिस में उसको बूस्ट करता है स्पेशली मेल्स इसीलिए हम बोलते हैं कि सिलाजीत हमारा वेल नोन सेक्सुअल प्रोडक्ट में माना जाता है सेकेंडरी अगर हम बात करें अश्वगंधा बहुत अच्छे से पता है आपको बहुत अच्छा एक एडोप्टोजेनिक है और आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से बढ़ाता है और इसमें एंटी स्ट्रेस मतलब ब्रेन टॉनिक इसको माना गया है आपके ब्रेन में सरोटोनिन को बूस्ट करता है आपके ब्रेन में डॉल्फिन का रिलीज बढ़ाता है आपके बॉडी में आपके ब्रेन में लिबोडोप डोपामिन के लेवल को बूस्ट करता है तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल वेलनेस को मेंटेन कर रहा है और आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है मेंटल परफॉर्मेंस है उसको भी थोड़ा सा इनहेंस करता है तीसरी हब से हम बात करें भ्रंगराज एकेलेप्टा अल्वा भ्रंगराज बहुत अच्छा हमारा एक लीवर टॉनिक माना जाता है लीवर मतलब आपको भूख कम लग रही है तो उस केस में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है डायरिया की दिक्कत रहती है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है अल्टीमेटली लीवर में अगर कोई दिक्कत है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा ड्यू टू परजेंस ऑफ एकेलिप्टा अल्वा जिसको हम बोलते हैं भ्रंगराज ठीक है बात करें आपका सफ़ेद मूसली सफ़ेद मूसली भी बहुत अच्छा एक होता है सेक्सुअल वेलनेस के लिए एंड एज वेल एज सतावरी सतावरी में बहुत अच्छे एक्टिविटी होती है ग्लूकोज का कंसन्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छे इसमें एल्कोलाइड्स होते हैं ग्लाइकोसाइड्स होते हैं टेनिंस का कंसनट्रेशन पाया जाता है जिससे ये ऑल ओवर बॉडी में अच्छे रिस्पॉन्स देता है अगर हम सफ़ेद मूसली की बात करें सतावर की बात करें तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं किसी पर्सन के स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और जो टेस्टोर है उसको भी बूस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली अगर हम एकेलेप्टापो एकेलेप्टा एल्बा या फिर भंगराज को छोड़ दें तो इसमें आपका सफ़ेद मूसली है बंग भस्म है लोह भस्म है आ, सुगंधा है ठीक है और सतावरी है तो ये आपके जो टारगेटेड किया गया है इसको सेक्सुअल वेलनेस के लिए किया गया है क्योंकि ये जितनी भी हर्ब्स हैं वो सेक्सुअल वेलनेस में बहुत अच्छा काम करती हैं अब देखो क्या है इनको सबको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें भंगराज पड़ा हुआ है भी आराम से खाओगे और जो भी आप खाना खा रहे हो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी मिलेगी अच्छा डाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं वेट गेन भी आपका अच्छा होगा तो इसलिए बोला जाता है जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा है ना तो पौरव जीवन कैप्सूल से वेट भी बहुत अच्छा इंप्रूव होता है अब बात करें कि जो पौर जीवन कैप्सूल होता है वो किन किन लोगों को लेना चाहिए अब बहुत ध्यान से समझना है अब एक चीज़ और समझ लीजिए ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसमें आपका शिलाजीत पड़ा हो उसको ये बोलते हैं कि एडल्ट को लेना है अगर आपकी एज 18 से कम है तो मैं रिकमेंड करता हूं इस टैबलेट को इस कैप्सूल को इस प्रोडक्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि अगर आपकी एज अठारह से कम है तो कहीं ना कहीं जो सिलाजीत है ना वो एडोप्टोजेनिक की तरह काम करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने लगता है ना तो ऐसा मानते हैं कि अठारह साल से एज कम है तो आपको ये यूज नहीं करना है अगर आप कपल्ड हो मैरिड हो तो ये आपको यूज करना है बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स है जिन लोगों को बॉडी में स्पर्म क्वांटिटी कम है स्पर्म क्वालिटी मेंटेन नहीं है ठीक है इम्पोर्टेंस की दिक्कत है इनफर्टिलिटी की दिक्कत है वेट गेन करना है पाचन नहीं हो पाता है खाना तो खाते हैं लेकिन पाचन नहीं हो पा रहा है उनको डायरिया की दिक्कत हो जाती है फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है तो लोग इसका यूज कर सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है चिंता बन जाती है ना तनाव बन जाता है तो उस केस में अश्वगंधा पड़ा हुआ बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स है और जो कपल है ना स्पेशली जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है क्योंकि मैंने बताया जो शिलाजीत है ना बहुत अच्छा केमिकल है बहुत अच्छा एक हर्बो मिनरल है इसके अंदर आपका जो आयरन है ना उसकी भी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है आयरन की क्वांटिटी अच्छी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज भी बहुत अच्छा होता है सेलेनियम भी होता है और सेलेनियम एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग आपका कंपाउंड है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है क्योंकि अश्वगंधा हमारा एक वेल नोन इम्यूनिटी मॉड्यूटर है ठीक है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिनका डाइजेशन प्रॉपर सही नहीं रहता है बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है लिथार्जीनेस रहता है लैक ऑफ एनर्जी हो गया उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है वो लोग इसका यूज कर सकते हैं अब बात करें क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है यस yes. हर एक मॉलिक्यूल्स के हर एक हर्ब्स के हर एक हर्बोमिनलरल्स कंपाउंड के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन बहुत सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है लाइक आपका गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है नोजिए वॉमिटिंग की दिक्कत हो सकती है या फिर असुगुगुगुगुगंधा के केस में ये होता है कि मान लो आपने मोर देन सिक्स मंथ लिया तो हो सकता है जो आपकी इम्यूनिटी है हाइपर इम्यूनिटी देने लगे हो सकता है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन्स बढ़ जाएँ आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज का केस आ जाए तो वो तब देखा जाता है जब आप लगभग छः महीने से ज़्यादा ले रहे हैं हाई डोज में या फिर मोर देन वन ईयर आपने हाई डोज में लिया तो वो देखा जाता है अदरवाइज अगर आप दो से तीन महीने लोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वो कंप्लीटली सेफ़ है ठीक है अब बात करें लास्ट में कि इस प्रोडक्ट को लेना कैसे देखो जो मोस्टली ताकत की दवाइयां होती हैं उनको रिकमेंड किया जाता है मिल्क के साथ तो आपको दिन में तीन कैप्सूल लेने हैं सुबह आप नाश्ता के बाद एक कैप्सूल लो और दोपहर को एक बार ले लीजिए आप लंच के बाद और एक कैप्सूल आपको लेना है नाइट टाइम में ठीक है बेड टाइम पे आप प्रयास करिए मिल्क से अगर हो पाए तो बहुत बेटर है और मिल्क अगर है तो आपके पास थोड़ा सा उसमें एक चम्मच हनी मिलाइए और केसर मिक्स कर सकते हैं आप सुबह शाम लीजिए और दोपहर में अगर मान लो आप घर से बाहर रहते हैं जॉब करते हैं तो लंच के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मिल्क को तो उस टाइम पे आप पानी से ले लीजिए दिन में तीन बार लेना है प्रयास करिए आप मिल्क से लीजिए अगर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो यू कैन टेक विद वाटर ठीक है एक गिलास पानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं कितने दिन तक करना है तो ये लगभग रिकमेंड किया जाता है इसे दो से तीन महीने किया जाता है इसका सेवन और इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें अगर आपको इससे ज़्यादा एक्सीड करना है तो अपने नियरेस्ट फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर रहे हैं किस दवा को कितने लंबे टाइम तक लें कैसे लें वो पूरी चीज़ें आपको वहाँ आप पे बता देते हैं क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप फार्मासिस्ट के दिए हुए गाइडलाइंस को इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करते हो तो आई होप आपको दवा से मिनिमल साइड इफेक्ट होंगे और आपकी जो कॉस्ट है ना फाइनेंस है वो भी आपका अच्छा रहेगा अननेसेसरी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आप अपने बीमारी से परेशान नहीं होने वाले हो तो इसीलिए हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि दवाओं का सेवन हमेशा अपने फार्मासिस्ट के निगरानी में ही करना है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा अगर आपका कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन थैंक यू